बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर से अस्पताल परिसर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, कॉटेज वार्ड के पीछे वारदात को अंजाम दिया गया। केस दर्ज करके पुलिस ने जांच अपनी शुरू की है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जोधपुर से मिल रही है, जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई है। नाबालिग के साथ अस्पताल के परिसर में गैंगरेप किया गया है। कॉटेज वार्ड के पीछे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया, जाँच जारी है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह कि अस्पताल परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अस्पताल परिसर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, ऐसे में सवाल ये कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था कि अस्पताल के भीतर ही अगर लोग सुरक्षित नहीं हैं, नाबालिग के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है अस्पताल परिसर में। मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस की टीम जाँच कर रही है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जाँच जारी है। तो अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पीछे दरअसल इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और अब जांच इस मामले में लगातार जारी है। तो गैंगरेप किया गया है नाबालिग के साथ। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और चलिए इस बीच अगली खबर भी आप जान लीजिए। यूथ कांग्रेस का पीसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी प्रभारी राधामोहन अग्रवाल के बयान के विरोध में प्रदर्शन, स्वर्गीय राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयपुर के और पदाधिकारी हैं मौके पर